सर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। थिएटर नंबर 9 में लोग बीच में ही शोर मचा रहे हैं। आइसबर्ग को गुस्सा आ रहा है, पैसे वापस करो। जल्दी से आप चलिए और उन्हें रोकिए प्लीज। I'm sorry, मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता हूँ, पर इन लोगों को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप तो मैनेजर हैं। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। एक समय था जब लोगों को फिल्में बहुत खास लगती थी, जब लोग थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए आते थे, और उस जमाने में लोग फिल्मों से वाकई प्यार करते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। क्या हम आपकी मदद करें? तुम लोग एक नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर सकते हो? हम थिएटर्स में जाएंगे, लोगों को चुप करवा कर ही दम लेंगे। आज पर सबके मुंह पर ताला लगाएगा। हाँ, और इन सूट्स में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तुम्हें ये कहाँ से मिले? ये मेरे डांस क्लास के कॉस्ट्यूम्स हैं। ये वाला थोड़ा टाइट है। हाँ, ये साइज हमारे लिए सही है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इन कपड़ों को देखकर शोर मचाने वालों के दिल में डर बैठ जाएगा और वो शोर नहीं मचाएंगे। हमें एक मौका मिला है सिनेमा के उन पुराने सुनहरे दिनों को फिर से वापस लाने का। अब जाओ, इन्हें पहनकर थिएटर नंबर 9 के शोर को खामोश कर दो। ध्यान से सुनो, हमें हर हाल में थिएटर की दुनिया को फिर से फिल्में देखने के लायक बनाना है, हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए। क्या डायलॉग है! कभी शायरी करने की सोची? मैं बचपन से करता रहा। पर तुम ये कैसे कर पाओगे? तुम बिल्कुल अकेले हो। वैसे तुम्हें खाने में पिज्जा पसंद है या फिर? वाओ, कितना मजा आया, सबकी बोलती बंद कर दी। आइसबर्ग खुश हुआ। हमने झंडे गाड़ दिए भाइयों, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस थिएटर में हर एक दरवाजे के पीछे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी हमें बोलती बंद करनी होगी। बस हमें इनमें से कोई भी एक दरवाजा चुनना है। देखो ये वाली फिल्म, ये एक सुपरहिट फिल्म का तीसरा पार्ट है। पता है दोनों वैम्पायर्स की कहानी है और तुम दोनों इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं कहीं और। आईसी, तुम कहीं और। समझ में नहीं आ रहा है कि इस नए फोन को बंद कैसे करते हैं। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। अब देखो मैं तुम्हारे चेहरे का क्या हाल करता हूँ। टीम क्रिस्टोफर जिंदाबाद। बारिश कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ। सबको सबक सिखा दिया। तो तुम्हारा कैसा रहा पैंडा? मुझे वैम्पायर से नफरत है। आइसबर्ग ने मिशन पूरा किया शायद। सुनो, माफ करना, पर तुम लोगों को जाना होगा। पर हमने सबको चुप कर दिया है। नहीं, तरीका गलत था। तुमने अंदर तोड़ फोड़ की है। मुझे लगा था तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन मैं गलत था। पर हम तो सिर्फ हम समझ सकते हैं।